बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके दौर से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेगा, अल्लाह पाक आपको अपने घरों में बाद रखे। तो जी मेरे बहन भाइयों, हमारी तो यही आप सबसे दुआ होती है, अल्लाह पाक जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, जिनके पास अपना घर नहीं अल्लाह पाक उनको अपना घर दे, जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शफा दे, जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे, जो इस वक्त अपने देश परदेश में मेरे बहन भाई हैं अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज का व्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट करने लगी हूँ घर की रूटीन से और नाश्ते से, आप सभी से शेयर करूँगी, आप लोगों ने मेरे साथ रहना। जी मैंने चाय रखती है क्योंकि सुबह सुबह चाय के बगैर जो होती है ना सुबह अधूरी होती है, नाश्ता भी अधूरा आता। तो मैंने अभी सभी सो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बारिश आई हुई थी तो आज काम भी बंद हो गया है, मतलब कि मुकम्मल बंद हो गया, चाहे तो महीना चाहे 10 दिन चाहे 15 दिन। तो अभी भी सो रहे हैं सभी, तो इमरान साहब उठे हैं, वो बाहर गए हैं तो बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने कहा उनसे पहले उठने से पहले पहले फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ। चाय मैंने रखी वो भी आपसे शेयर करूँगी। जी दूध तो हमारे यहाँ आज था नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पैसे नहीं थे मेरे पास, मैंने कहा चले आज काबा बना लेती हूँ, तो मैंने आज काबा बना लिया। चाय तो मेरी तैयार हो गई है। तो रात को ना मैंने दाल बनाई थी, आप देख सकते हो ये देखिए, तो रात की दाल है मैंने गर्म कर लिया, मैंने कहा चलो बच्चों को नाश्ते में ना रोटी के साथ ये दाल दे दूँगी। तो बस अभी रोटी बनाऊँगी वो भी आपसे शेयर करूँगी, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है क्योंकि आज हमारे यहाँ मौसम भी काफ़ी ख़राब है। तो फटाफट आटा गूंथ के साथ ही मैं रोटी बना लेती हूँ, और छोटे बच्चे पढ़ने के लिए गए तो मैंने कहा उनसे आने से पहले पहले ना फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ रहना। जी तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी सारे उठ रहे हैं और बच्चों ने नाश्ता करना शुरू कर दिया। अभी सुबह उठा, सुबह को मैं नाश्ता बनाकर दे लें, ये कह रहा मामा मुझे छोटी सी अपना एक रोटी बनाकर दें, वो मैं चाय के साथ खाऊँगा। तो अभी मैं गुरफाम को चाय के साथ रोटी बना कर देने लगी हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ रहना, सभी घर की रूटीन आपसे शेयर करूँगी। जी सुबह के भी पसंद की छोटी सी रोटी बन गई है और बुला ले भी कहा मुझे मम्मा बना कर देख ले, बच्चों की अपनी अपनी फरमाइश। आज मैंने चूल्हे पे रोटी बनाई है क्योंकि हमारी जो कल बारिश आई थी रात को भी, तो हमारी जो टांड है ना वो सारी गीली हो गई है मुकम्मल तौर पे, तो मैंने फिर कहा चले आज मैं चूल्हे पे इनको रोटी बना कर देती हूँ। बिलाल कहाँ जा रहे हो, नीचे आओगे बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? जी तो हमारे यहाँ तो आज आप देख सकते हो किस कदर प्यारे प्यारे से बादल बने हुए हैं और साथ ही ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। हमारी नीम आप देख लें कैसे झूम रही है हवा में, आज तो माशाल्लाह काफ़ी ठंडा मौसम हमारे यहाँ बना हुआ है और बादल भी काफ़ी गहरे बने हुए हैं। जी तो साथ ही मैंने बच्चों को नाश्ता बनाकर दे दिया था और आज तो माशाल्लाह काफ़ी हमारे यहाँ तो काफ़ी बादल बने हुए हैं और साथ साथ मैंने नाश्ता भी कंप्लीट किया और बच्चों को भी खाना बनाकर दे दिया। मैंने चले नाश्ता खाना दोपहर का मैंने सभी एक साथ इकट्ठा कर लिया था, मैंने कहा बादल बने हुए हैं तो कहीं भी किसी टाइम भी बारिश आ सकती है, तो फिर जाहिर सी बात है बच्चे खाने के बगैर तो नहीं रह सकते। तो मैंने फटाफट घर का काम भी समेट लिया, तो आप देख सकते हो हर तरफ बारिश हमारे यहाँ हुई थी तो वो भी पानी खड़ा हुआ है और ये भी अभी पानी है क्योंकि कच्ची जगह है ना हमारे यहाँ, तो बिल्कुल जो है ना मसला बन जाता है जब भी बारिश आए। तो मैंने कहा चलें फटाफट से मैंने घर का काम तो भी कर लिया, तो बस आज की यहीं तक की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर प्लीज़ पसंद आई तो प्यारा सा उर्दू में अपने नाम का कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा, तो आप लोगों को प्लीज़ सपोर्ट की जरूरत, सपोर्ट साथ दिया करें। तो अब हम आपसे लेते हैं जय, सुबह अच्छी और नए लोगों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय।